हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एप्लीकेशन लर्निंग। तो बच्चों, आज की क्लास में हम बात करेंगे अंकगणित में दक्षता अभ्यास 1A की। ठीक है, 1G तक कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट चैप्टर है दक्षता अभ्यास 1A। अमूमन दक्षता अभ्यास में जो पहले क्वेश्चंस आप किए हैं वैसे क्वेश्चंस ही होते हैं, लेकिन इस दक्षता अभ्यास 1A में कुछ क्वेश्चंस घुमा के दिए। ठीक है, इसीलिए इसमें के कुछ क्वेश्चंस मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। तो ध्यान से समझिएगा कि कैसे वो क्वेश्चन सॉल्व हुए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या करना है कि निम्नांकित को सरल करके परिमेय संख्या प्राप्त करना है। लेकिन पहले का पहला देखेंगे तो वैसे क्वेश्चन आप पहले किए हैं। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे पहले का दूसरा बताने जा रहा हूँ, जो कि 2/3 + 1/4 ये भाग का चिन्ह है, भागे 2। ठीक, देखो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम कोष्टक को हल करें। जैसा कि आप लोगों ने ब्रॉडमस रूल पढ़ा होगा, है ना, नहीं पढ़ा है तो उसकी वीडियो भी मैं बनाई हुई हूँ, तो अगर आपको देखना है एक बार आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगी तो आप एक बार देख लीजिए। ठीक है, सबसे पहले हम छोटा कोष्टक हल करेंगे फिर बड़ा कोष्टक करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले छोटा कोष्टक हल करेंगे, जैसे था। ठीक, अब उसको हम एलसीएम ले लेंगे 3/4 का, या जिसे हम लासा बोलते हैं। 4 बार पलटेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ भाग का चिन्ह थोड़ी ना गुड़ेगा,
ये और ये कट गए, एक आ गया पाँच इक्का पाँच बटा माइनस है तो माइनस आप पाँच क्या आ गया माइनस पाँच बटा नौ। ये था क्वेश्चन नंबर पहले का चौथा। तो चलिए बच्चों हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो दूसरे में क्या है, वर्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम का मतलब शब्दों में दिया हुआ है, मतलब लिखा हुआ है कि ऋण 12 बटा 7 और 13 बटा 5 के योग फल में उनके अंदर से गुणा कीजिए, यही क्वेश्चन है ना। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए उनके जो वर्ड दिए हैं उनको ध्यान से हमें समझने की जरूरत है, बाकी क्वेश्चन कठिन नहीं है, ईजी है। जैसे लिखा है कि ऋण 12 बटा 7 और 13 बटा 5 के योग फल में, योग फल का मतलब जोड़ होता है ना। सबसे पहले इनको हम ऐसे लिखेंगे, ऋण 12 बटा 5 और 13 बटा 7 के योग फल, इसीलिए बीच में हम प्लस का चिन्ह लगा दें। ठीक है, में उनके अंतर से हमें गुणा करना है। गुणा करना है किसके, इन्हीं दोनों के अंतर से। अंतर का मतलब होता है घटाना। ठीक, सेम यही चीज हम यहाँ पे लिखेंगे लेकिन बीच में प्लस की जगह अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो 12 बटा 5 में, सॉरी 12 बटा 7 और 13 बटा 5 है ना, बारह बटा सात और तेरह बटा पाँच के योगफल में उनके अंतर मतलब माइनस से क्या करना, गुणा करना। आप देखिए आगे, तो सबसे पहले ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, ऋण 12 बटा 7 प्लस 13 बटा 5 गुणे, इसमें भी ऐसे ऋण 12 बटा 7 माइनस 13 बटा 5। ठीक, अब एलसीएम राशा लेते हैं, राशा ले लीजिए, 7 और 5 का कितना है 35, 5 बार जाएगा 5 गुणे माइनस 12 प्लस 7 बार जाएगा 7 गुणे 13 गुणे, ऐसे इसमें ले लेंगे 35, कितनी बार जाएगा 5 बार गुणे माइनस 12 माइनस 7 बार जाएगा गुणे 13। ठीक है, अब आगे सॉल्व कर लेते हैं, 12 को 5 को गुणा करेंगे माइनस 60 प्लस 13 सत्य क्या है बटा 35 गुणे, ऐसे सेम यहाँ पे भी हो जाएगा माइनस 60 12 पंजे 60 माइनस 91 बटा 35। ठीक, अब यहाँ पे विपरीत चिन्ह है, प्लस माइनस घट जाएगा घटा दीजिए 31 आ जाएगा, 31 बटा 35 गुणे, इन दोनों को सेम चिन्ह है, सेम चिन्ह जुड़ जाते हैं, जोड़ दीजिए 151 बटा 35। ठीक है, अब इसका आपस में गुणा कर लीजिए, लेकिन ये माइनस का है ये माइनस का। ठीक है, 31 का 151 में गुणा कर लीजिए कितना आ जाएगा, साइड में कर लीजिए 46 81, तो ये आपका आ जाएगा 46 81 माइनस का माइनस 35 का 35 में करेंगे तो आ जाएगा 4 3 12 125। ठीक है, तो ये हो गया आंसर दूसरे का। ठीक, ये इतना ही है, तो ये था क्वेश्चन नंबर दूसरा। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की। तीसरे में भी देखिए यही लिखा है कि 1/2 और 3/7 के योगफल में उनके गुणनफल से भाग दीजिए। तो स्टार्टिंग का मैं इसमें बता दे रही हूँ, उसके आगे आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे, 3/7 1/2 और 3/7 के योगफल, योगफल का मतलब प्लस हो गया। ठीक है, में उनके गुणनफल से भाग दीजिए, आपने भाग कर इसमें इन दोनों की गुणनफल सेम चीज लिखेंगे और यहाँ पे गुणे को लिखेंगे। ठीक है, ये समझिए कैसे बनेगा, अब ये बन गया, अब इसके आगे आप काउंट कर सकते हैं, वैसे ही करेंगे कैसे, अगर ऊपर चला गया प्लस माइनस का माइनस हो गया 3/7 भागे, यहाँ पे भी गुणा करना है
तो एक का तीन गुण करेंगे तो एक गुण तीन गुण दो सात, ठीक है। आगे इसमें तो लासा लेंगे, प्लस माइनस होता है तो लासा लेते हैं, बुरे भाग में लासा नहीं लेते। दो और सात का लासा चौदह, सात बार जाएगा सात बुरे ऋण एक, माइनस दो बार जाएगा दो गुण तीन, ठीक है। भागे माइनस से माइनस कैंसिल हो गए, तीन एक का तीन, सात का दो में बुरा करेंगे तो चौदह, ठीक है। आगे सात एकम सात माइनस सात, तीन दुनिया छः बटा चौदह, भाग बुरा हो जाएगा पलट जाएगा, ठीक है। अभी ब्रैकेट ओपन नहीं करनी, आप कर दीजिएगा। यहाँ पे समान चिन्ह क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, माइनस तेरह बटा चौदह गुड़े चौदह बटा तीन, ठीक है। चौदह से चौदह कैंसिल, कितना बचा माइनस तेरह बटा तीन। देखिए कितना बड़ा था क्वेश्चन और आंसर देखिए कितना छोटा था, ठीक है। तो ये था दक्षता अभ्यास बने का क्वेश्चन नंबर तीसरा। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। चौथे में क्या करना, सत्य सत्य करना। तो इसके लिए जो स्टेटमेंट दिया हुआ है मैं उसको वन बाई वन आपको समझा दे रही हूँ, ठीक है। तो आप उसे नोट डाउन कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा। चलिए सत्य सत्य में आपको चार क्वेश्चन यहाँ दिख रहे होंगे, है ना। पहला है एक बटा ए का गुणात्मक प्रतिलोम ए है, तो गुणात्मक प्रतिलोम इसके पहले था। गुणात्मक प्रतिलोम में क्या करते हैं, उसी को पलट देते हैं। तो एक बटा ए को पलटेंगे तो ए ही तो आएगा। तो पहला क्या है, सत्य है, एक बटा एक गुणात्मक प्रतिलोम ए होगा, पहला सत्य हो गया। दूसरा दिया है ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम धनात्मक परिमेय संख्या नहीं होता। तो योगात्मक प्रतिलोम में हमें क्या बताई थी कि चिन्ह बदल जाता है, अगर ऋणात्मक में है तो धनात्मक में आंसर आएगा, धनात्मक में है तो ऋणात्मक में आएगा। तो दूसरे में क्या लिखा है कि ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम धनात्मक नहीं होता है, तो ये क्या है, गलत है, होता है धनात्मक, ठीक है। तीसरा है एक को शून्य से भाग देना संभव नहीं है। तो आप लोगों को ये तो हम बताए हैं कि जीरो बटा एक लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि जीरो एक परिमेय संख्या है, लेकिन क्या एक बटा जीरो लिख सकते हैं, तो नहीं लिख सकते, ठीक है। एक को हम जीरो से भाग नहीं ले सकते, इससे भाग करेंगे तो इन्फिनिटी आता है, ठीक। इसके बारे में अभी आप आगे कक्षाओं में पढ़ेंगे क्या होता है। तो ये क्या है, देना संभव नहीं है, तो ये सत्य है, ठीक, नहीं ले सकते। चौथा क्या है कि शून्य किसी परिमेय संख्या गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। गुणात्मक प्रतिलोम वाले चैप्टर में अभ्यास में आपको बताई गई थी कि शून्य किसी परिमेय संख्या गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है, ये स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है। तो ये था दक्षता अभ्यास वन ए जो कि खत्म हो गया है। अब हम आगे मूव करेंगे वन एच की ओर, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया हो। तो आज की क्लास यहीं पर हम खत्म करते हैं।